गुड इवनिंग ऑल ऑफ यूजन जो uh, मैंने कंडक्ट किया है हमारे जितने भी सब स्टूडेंट है, का, का है तो सबसे पहले तो आप मेरे को बताइए कि आपका एग्जाम कैसा गया हम लोग चैटबॉक्स का यूज करेंगे तो आप लोग सबसे पहले बताइए वॉट इज द एवरेज अटेम्प्ट पेपर ए लाइक पेपर ए वॉज डिफिकल्ट लोग बोल रहे डिफिकल्ट देखिये डिफिकल्टो नहीं था इट्स जस्ट दैट पेपर वो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए थे लाइक लास्ट टर्म के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा चैलेंजिंग था लास्ट कुछ फ्यू टर्म्स के हिसाब से पेपर बी वॉज लेंदी दिस भी है लेंदी है और डिफिकल्ट है और इजी है वो सबके लिए है तो आप लोग को सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो भी चीज है वो सबके लिए होगा रहा है राइट एंड एक्चुअली इस कोर्स का सबसे जो टफ पार्ट होता है वो पता है क्या होता है कि एग्जाम के बाद में आपको बहुत वेट करना पड़ता है लाइक like, आज अगर आप देखोगे आज से आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो आपका रिजल्ट आएगा ठीक ऑलमोस्ट तीन महीना बाद या फिर फोर्थ दिसम्बर को आपका रिजल्ट आएगा एंड हर एग्जाम आपका साल में दो, दो बार ही होता है एंड एक जो कॉलेज स्टूडेंट होता है उसके पास में अगर तीन साल का ग्रेजुएशन है तो छह अटेम्प्ट होंगे और अगर चार साल का ग्रेजुएशन है तो आठ अटेम्प्ट होंगे तो तीन महीना तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो राइट right? देखो पेपर जो मेरे को जो अपडेट आया है कि हाँ पेपर पहले से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है एक्सेप्टेड बट ऐसा नहीं कि डुएबल नहीं था तो हो सकता है कि पहले के मुकाबले अगर मान लीजिए आपका पासिंग स्कोर वो समवेयर अराउंड सिक्सटी तो हो सकता है आपके बार वो ड्रॉप होके इट माइट गेट समवेयर अराउंड फिफ्टी सेवन और मे बी फिफ्टी एट समथिंग लाइक दैट एंड जो लोग भी फेल होते हैं ना वो लोग बहुत मार्जिन ऑफ मार्क्स से फेल होते हैं तो ये एक दो नंबर बहुत मैटर करता है एंड सोल्यूशन बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिलीज करेंगे प्लीज आप सोल्यूशन पे दिमाग मत लगाइएगा बिकॉज देखिए वॉट डन वॉट डन राइट एंड जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग बहुत ही एक <coughs> एक बहुत ही हम लोग बोलते हैं ना एक रेस्ट्रिक्टेड uh, बेसिस में अपना मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं हम लोग नॉर्मली ये सोचेंगे कि यार अगर अपने को यहाँ पर एवरेज में तीन नंबर मिलना चाहिए तो मैं तो दो ही पकड़ूंगा बट आप क्यों दो पकड़ोगे सोचो ना तो चेकर का जो माइंडसेट सेट और हम लोग का जो माइंडसेट है उसमें बहुत फर्क है चेकर को एक पूरा गाइडलाइन मिलता है जिसके हिसाब से वो चेक करते है, राइट अपने क्या देखेंगे कि यार ये सही है और ये गलत है और अपने उसके हिसाब से मार्किंग करेंगे तो हम लोग पांच दस नंबर के भी रेंज में नहीं आएंगे जो चेकर का आएगा राइट right. तो आप अपने बेस्ट ऑफ एफर्ट से आपने एग्जाम दिया है एंड अब आपको आगे की तैयारी करनी है ठीक है तो उसके लिए मैं हमेशा आपको यही चीज रेकमेंड करूंगा कि जो हो गया उसे भूल जा जो आने वाला है उसकी सोच उसी के लिए अब की बार एक्चुएटर्स ने लाइक like, एज आपको पता है हमारा दिल्ली सेंटर भी फिजिकल ओपन हो रहा है एंड मैं शिवांगी मैम अंकित सर हम लोग रहेंगे वहां पर we are basically going on 15th of uh, September or 16th of September September or so uh, वो ट्वेंटी फोर्थ से चालू होगा so basically हमारा टारगेट ये है कि अब की बार जो हम लोग ये बैच चालू करेंगे uh, देखो चिराग being very honest uh, paper का जो solution है ना बेटा मैं चाहूँ तो मैं अभी बता सकता हूँ मेरा पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ है ठीक बट मैं कभी ये काम नहीं करता मैं आपको बताता हूँ एग्जाम एक के लिए ट्रेन नहीं करता हूं मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा ये चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों को लाइफ के लिए भी ट्रेन करूं ठीक है ना कुछ कुछ चीज ऐसा होता है ना जो होने के बाद में हम लोग को भगवान पे छोड़ देना चाहिए ठीक है आज आपने मेरा एक एटीट्यूड देखा होगा कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि भाई मैं आप लोग को हर चीज स्पून फीड कर दू। आज मैं एक लीडर बना इतने सारे लोगों को मैंने ट्रेन किया मैं चाहता हूं कि आप लोग सब भी आने वाले टाइम पे अपने अपने फील्ड्स में लीडर्स बनो ताकि लोग आपको देख के प्रेरित हो तो ये सुल। ये मैं आपको बता रहा हूं ना ये बहुत छोटी चीज है एग्जाम रिजल्ट्स आपको क्या है आपको अपना लाइफ बनाने के लिए आपको ये सोचना है कि अभी आगे क्या करना है कान्हवी मेरे को तो यही लगता है कि पेपर वॉज मॉडरेट not very easy, not very challenging, so you can expect a passing score of 57 or 58. ठीक है तो बेसिकली मैं सबको बेटा कल का पेपर है एंड तो आप अभी सो जाइए ठीक है क्योंकि एग्जाम के पहले स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना तो वैसा मत करिएगा कि अब रात भर जग के कुछ पढ़ रहे हैं कुछ ऐसा अलग सा कुछ पढ़ रहे हैं आप कल एग्जाम में स्क्रू अप करो वैसा मत करना ठीक है सो यस आई एल टेक ऑल द डाउट्स बट मैं मैं पर्सनली ये चीज मानता हूँ कि अभी क्या होगा ना आपका हर एक दिन फिर नरक बन जाएगा मैंने हर एक दिन आप यही सोचोगे कि यार रिजल्ट तक का वेट करते हैं अगर चलो मान लो मैं आप लोग मेरे जो मेरे जो बच्चे हैं मेरे जो दिल के करीब हैं जो मेरे से पढ़े हैं तो मैं अगर आज के दिन पे मान लो कि मैं आप सबका पेपर चेक कर देता हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि भाई तेरे को इतना नंबर आएगा तेरे को इतना नंबर आएगा एंड सम हाउ वो एक दो नंबर इधर उधर हो सकता है आई एम नॉट गॉड राइट आप देखते हो जो जो मार्कर्स होते हैं हो, उनके भी आप देखोगे ना आपका फर्स्ट टाइम है, है पता नहीं दो मार्कर चेक करेगा आपका पेपर तो उसमें भी क्या होता है कि देर इज अ डिफरेंस ऑफ फाइव टू सिक्स मार्क्स तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है कि मैं उस चीज में कितना नंबर दे रहा हूँ और सामने वाला उस चीज में कितना नंबर दे रहा है ठीक है अगर मार्कर वन आपको पास करता है और मार्कर टू तो आपको फेल करता है और अगर आपका फाइनल जो मार्कर थ्री करता है आपको फेल करता है तो कुछ नहीं कर सकते उस चीज में आप लोग सबका पेपर चेक करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एक बात बताओ मैं आपको अगर अभी बोल देता हूँ फेल हो जाओगे तो क्या आप आगे भी पेपर की तैयारी नहीं करोगे या फिर मैं आपको बोल देता हूँ कि यार आपको आ, मतलब मैं आपको ये बोल देता हूँ कि यार आ, आप पास हो जाओगे तो क्या आप अभी तैयारी नहीं करोगे आप पास हो रहे हो तो अभी आपको नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है

मैं वो एग्जाम देता था और मैं आगे बढ़ता था मैं आगे की सोचता था कि अब आगे मेरे को क्या करना है जब मैंने सी टी वन का एग्जाम दिया उसके एक महीना बाद, बाद में आई आई सी सी टी थ्री दिया ठीक है उसके बाद मेरे को नेक्स्ट समाउ में सी टी फाइव दिया फिर मेरे को फोर देना था उसके संग मैंने संग्स दिया मैंने एग्जाम देने के बाद कभी ये नहीं सोचा कि मेरा रिजल्ट क्या होगा क्योंकि रिजल्ट तो पास फेल तो होंगे यार पास फेल तो होंगे बट आपको ये समझना है कि अभी जो तीन महीना है मैं ये ट्राई करूं समहा कि यार मैं अच्छे से पूरा एकदम अच्छे से मैं प्रिपेयर कर लू जो मेरा अप्रैल अटेम्प्ट होगा ताकि जब मेरे रिजल्ट आता है दिसंबर में चाहे मैं पास हूं चाहे मैं फेल हूं तो जो पेपर मैंने लिया है साथी साथ ही साथ साथ ही साथ जो पेपर मेरा पास है फिर फेल होगा वो दोनों पेपर मैं अप्रैल में अच्छे से दे पाऊंगा आप समझ पा रहे हो टेक्निक आपको थर्टीन पेपर निकालने ओवर अ स्पैन ऑफ फोर ईयर्स Actuaries आज के दिन पे अगर कोई चाहे तो वो तीन से चार साल में कोर्स को कंप्लीट कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है Actuators Education Institute has given you the pathway कि आप उस चीज को बहुत आराम से हमारे गाइडेंस और हमारे वर्किंग्स uh, के साथ में आप उस चीज को तीन से चार साल में आज के दिन पे कर सकते हो येस इट इज पॉसिबल ठीक है एंड लोग कर रहे हैं लोग करेंगे भी आगे आने वाले टाइम में आपके जैसे लोग तो उसके लिए सबसे पहले आपको मन में फेथ रखना पड़ेगा आपको हम पे फेथ रखना पड़ेगा राइट सो so, उसके लिए क्या करना है आपको सबसे पहले तो ये जो आज का एग्जाम हो गया ना अब आप, आप इसके बारे में सोचना बंद कर दें आपस में आप जितना डिस्कशन करेंगे कि यार तेरा कैसा हुआ कितना नंबर का किया वो सबसे आपका सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा यू नीड टू लर्न हाउ टू बी इंडिपेंडेंट कि भाई ये वाला मेरा हो गया अब मैं नेक्स्ट के बारे में सोचता हूँ लाइफ में फॉरवर्ड लुकिंग बनना पड़ेगा ठीक है ना आज जब आप बड़े आदमी बनेंगे सौ लोग आपके बारे में बात करेंगे अस्सी लोग अच्छा बोलेंगे बीस लोग खराब बोलेंगे आप हमेशा क्या करोगे पता है वो बीस लोग का खराब को सोच के बैठ जाओगे कि यार वो मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया बट जो अच्छा बोला उसको बिल्कुल ऐसे आया गया कर दोगे ठीक है यार बोल दिया बोल दिया आपको ये चीज समझना पड़ेगा लाइफ में अब आप बड़े हो रहे हो आपने प्रोफेशनल एग्जाम दिया है कि स्कूल लेवल का एग्जाम आपने नहीं दिया है कि इसमें पास होना मैंडेटरी है या आपने एक प्रोफेशनल एग्जाम दिया तो प्रोफेशनल एग्जाम का सबसे बड़ा नियम यह है कि वो एग्जाम प्रोफेशनल है एंड वो एग्जाम सब नहीं क्लियर कर सकते हैं ये फैक्ट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा नहीं तो फिर आपको ऐसा आ, ऐसा कोर्स चुनना था जो आ, जिसमें सब पास हो जाते हैं जिसमें जिसमें हंड्रेड परसेंट का पासिंग रिजल्ट है जो कोर्स का उतना वैल्यू नहीं है वो कोर्स आपको चुनना चाहिए था अगर आपको फेल होने से इतना ही डर लगता है तो फेल होने से प्लीज मत डरीयेगा लाइफ में आप देखेंगे जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जो जॉब कर रहे हैं मैं हूं आपका सर एग्जाम में फेल होना लाइफ में फेल होना ये सब लिखित बात है आप कभी ना कभी तो होंगे ही होंगे तो फेलियर से मत डरिए मैं आज के दिन पे फेलियर से नहीं डरता हूँ क्यों क्योंकि मैं इतना एग्जाम लिखा हूं अपने लाइफ में अब फेलियर मेरे को नहीं हरा सकता है मेरे को पता है कि मेरे को जो चीज करना है वो मैं करूंगा हो सकता है दो महीना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा हो सकता है छह महीना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा बट मैं वो चीज को करके रहूंगा लाइफ में ये मेरे को पता है ठीक है तो ये चीज आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में तभी वो चीज पॉसिबल हो पाएगा आज अगर मान लो कोई बच्चा अगर एक बार फेल हो जाएगा तो क्या वो छोड़ देगा कोर्स वो छोड़ देगा ना तब वो फेल हो जाएगा वो तब तक नहीं हारेगा जब तक वो कोर्स में डटा हुआ रहेगा हमने देखा है ऐसा ठीक है ना तो बेसिकली आई माई फ्रेंड आई मतलब uh, one, okay? And, uh, exam, और आज वो अपना लास्ट एग्जाम लिख रही है अभी

आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ठीक है और आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं ठीक है सबसे पहले तो जो पेपर हो गया एक लंबी सांस लो ठीक है एकदम सांस लो मतलब इतना सोचने का नहीं है लाइफ में यार हो गया हो गया एग्जाम एग्जाम को एग्जाम जैसे इज्जत देने का अभी थोड़ा चिल करने का बट हाँ ये भी देखना है कि तीन महीने में हमको अभी अच्छे से करना है तो एक्चुएटेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट अभी जो भी कोर्सेज चालू कर रहा है वो क्या है वो हम लोग थर्टीए नवंबर तक खत्म करा देंगे ठीक है तो बेसिकली इसमें क्या होगा जो हमारे दिल्ली के जो बैचेस हैं वो अभी जो हम लोग चालू करेंगे वो हमारे आपके एग्जाम के पहले तक चलेंगे दिल्ली बैचेस हम लोग एक ही कराएंगे बट कैलका में क्या होगा अभी जो हम लोग बैच कराएंगे वो मैं शिवांगी मैम अंकित सर हम लोग सब कराएंगे ठीक है तो वो बेसिकली हमारा थर्टीए नवंबर तक खत्म हो जाएगा और एक जो बैच है वो हो सकता है चालू हो या फिर नहीं हो कैलका में वो आपका चालू होगा जनवरी से ठीक है ना जनवरी सेकेंड वीक से चालू होगा उसमें हमारा इनपुट कम रहेगा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का इनपुट ज्यादा रहेगा ठीक है और जो कॉमन क्वेरीज हमारे पास में आ रहे हैं कि दिल्ली सेंटर पे फैकल्टी कौन रहेगा ऑब्वियसली हम लोग पढ़ाएंगे एक जन ने ये भी क्वेरी डाला है कि Uh, आप लोग सब दोनों जगह पे कैसे पढ़ा सकते हैं वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू ओपन सेंटर्स इन बेंगलुरु एंड बॉम्बे एंड बॉम्बे इन द नेक्स्ट सिक्स तो दैटे पास में पूरा टीम है स्टॉप लुकिंग एक्चुएटर्स इन इंस्टीट्यूट एज प्रवीण सर और अंकित सर और शिवांगी मैम स्टार्ट लुकिंग इट एज अंटीट्यूट स्टार्ट लुकिंग इट एज अंटीट्यूट लाइक पी डब्ल्यू लाइक एल एन तो बेसिकली वी हैव अ टीम ऑफ फैकल्टीज एंड कोई भी यहाँ बैठा देर आर सिक्सटी भी ये नहीं बोल सकता है कि सर आपके फैकल्टीज खराब है उनको पर्सनली मैंने हैंड पिक किया है पर्सनली उनके अंदर एक और है जो वो पढ़ाते हैं ठीक है ना एंड पर्सनली वो लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं ठीक है ना उनका उनका बेसिकली अब हमारे वेबसाइट पे भी नाम जाएगा एंड वो लोग का वीडियो भी हमारे प्लेयर पे भी जा रहा है एंड वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत सॉफ्टली कराते हैं ठीक है तो बेसिकली देखिए आज मैं तो हूं ही बट मैं तो दस जगह पे नहीं हो सकता हूं ना एंड हमारा क्या है हमारा खाली पढ़ाना नहीं है हमारा जो एलिमेंट जो हमने बनाया है आने वाले टाइम में एमसी जो हमने बनाए हैं अभी हमने इतने सारे एम सी क्यूज बनाए हमारा जो पैटर्न है हमारा जो गाइडेंस का जो तरीका है हमारा जो प्लेसमेंट सर्विसेज जो हम लोग ग्रूमिंग करते हैं ठीक है सो बेसिकली इसपे इसका कोई मैच नहीं है इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रेनिंग आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन एक्चुअली जैसे हमने स्टॉक मार्केट का एक फिजिकल कराया था यही चीज हम लोग ऑनलाइन में भी कराएंगे हमने ए का वर्कशॉप कराया है ये सब? दिखाओ ना मेरे को सामने लेके आओ ना कौन कराता है जितना हम लोग वीडियो डाल के रखे उतना तो लोगों के फॉलोअर्स भी नहीं है सो बेसिकली इट्स इट्स आज जो हम लोग जो चीज करते वी आर वेरी पैशनेट अबाउट दैट हम लोग हम लोग सिर्फ पैसा के लिए नहीं पढ़ा रहे पैसा को आज के दिन पे मैं बाय प्रोडक्ट की तरह देखता हूँ हम लोग जो कराते हैं वो इसलिए कराते हैं कि भाई हमारा एक गोल है हमारा एक टैगलाइन है क्रिएटिंग एन आर्मी ऑफ वो वो टैगलाइन को लेके मैं चल रहा हूँ पिछले दस साल से वो टैगलाइन को लेके मैं चल रहा हूँ और तभी मैंने पचास लोगों को बनाया है उसमें देखो हमारा नाम है पूरा उसमें तो वो अगर आपको उसके साथ जुड़ना है तो आप हमारे साथ आइए आज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैं जब बोल के ले रहा हूँ कि तीन सौ घंटा मैं पढ़ाऊंगा तो मेरे तो रिकॉर्डेड है ही मैं तो खुद आके पढ़ा भी रहा हूं डाउट भी सॉल्व कर रहा हूँ बट आप अगर ये सोचोगे प्रवीण सर ऑल द टाइम मेरे लिए अवेलेबल है तो वो 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 चीज पॉसिबल नहीं है वो कोई वो वो आप ये सोचो ना आप कहीं और भी जाओगे तो वो भी वो चीज पॉसिबल नहीं है ठीक है सो बेसिकली द पॉइंट इज दैट अगर आपने अभी सी एम वन का एग्जाम दिया है अभी आपका अगला गोल क्या होना चाहिए अगर आपका पहले सी एस वन क्लियर है री स्लो ऑर्डर इज दैट अगर आपने सी एम वन दिया है सी एस वन क्लियर है गो फॉर सी एस टू ठीक है सीएम वन दिया है सी एस वन क्लियर नहीं है ठीक है ना और आपका सीएम वन फर्स्ट अटेम्प था गो फॉर सी एस वन ठीक है सीएम वन दिया है पहले सी एस वन दिया है क्लियर नहीं हुआ है यू कैन गो फॉर सी एस वन एंड सी एस टू दिस वी ट्राइड विथ आर स्टूडेंट्स ओके ये हमने ट्राई किया था हमारे अप्रिल ट्वेंटी फोर अटेम में बैच ऑफ आई रफली टेन टू ट्वेल्व स्टूडेंट्स एंड दे वॉज रिमार्केबल सक्सेस रेट

सो दैट इज वाई सी एस वन एंड सी एस टू हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप लोग सब एक साथ में दीजिए जो लोग को पहले एक पेपर दिया हुआ है मान लीजिए अगर कोई सी एस वन पहले दे दिया है अगर वो सी एस वन और सी एस टू देना चाहता है एक साथ तो उनका एक सेपरेट ग्रुप बनता है जो बच्चे सी एस वन और सी एस टू देते हैं अगर किसी के पास बहुत अच्छा टाइम है जो उसको अपने अंदर में कॉन्फिडेंस है कि सर मैं दोनों पेपर एक साथ में निकाल लूंगा क्योंकि अप्रैल में देर इज ऑलमोस्ट सेवन टू एट मंथ्स ऑफ टाइम ठीक है ना इस टर्म में आपको जितना टाइम मिला ऑलमोस्ट बहुत अच्छा टाइम मिलता है एंड छुट्टी का टाइम रहता है जैसे दिसंबर में काफी छुट्टी वगैरह रहती है तो आप चाहो तो आप सी एस वन और सी एस टू दे सकते हो स्टूडेंट जिनका सी एच वन सी एच टू भी क्लियर है जो लोग ने सीएम थर्ड पेपर दिया है अभी थम्सअप टू देम ओके तो exam, them, okay? so, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सी एच टू ही देना है ओके okay? आप सीएम टू के और भी बढ़ सकते हैं बिकॉज इस टाइम मैंने सीएम टू में ढाई सौ घंटे का पूरा फ्रेश रिकॉर्डिंग किया है एंड माशा अल्लाह क्या रिकॉर्डिंग है वो मतलब उसमें मैंने एकदम पूरा स्क्रैच से पढ़ाया है मतलब जिसको टैच नहीं आता है जिसको मैथ्स नहीं आता है मतलब पूरा स्क्रैच से सीएम टू पढ़ाया मतलब आई थिंक अगर कोई पहला में CM2 भी दे देगा तो भी उसका हो जाएगा मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया एंड उसमें बच्चों के क्वेरीज आते रहेंगे कि आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन टॉपिक सो वी अ मैंडेटरी कि आपका सीएम टू के लिए जब आप बढ़ रहे हो तो सी एस वन आपका क्लियर होना चाहिए एंड सी एम वन आपने दे दिया होना चाहिए ओके okay? नाउ talking about the synergies uh, that you will get uh, let's talk about cm2 so cm2 if you are giving to uh, cm2 may excel will be very comfortable because just now you have done excel and cs2 why in this april 25 attempt is because you get a longer time okay cm2 is something which can be done in three months but cs2 will be quite challenging if uh, uh, you want to give it in Uh, maybe uh, CM2 will be a bit uh, like CS2 will be a bit challenging if you want to give it in three months of time. So CS2 typically requires more time than uh, CM2. So I'd always recommend for April attempt CS2 as a paper. आप आप सिनर्जी की बात करोगे तो CM1 के साथ में उतनी सिनर्जी नहीं है, but since आपने CS1 में R वगैरह पढ़ रखा है, तो उसी पे आपको built up करना है, ठीक है ना? बेसिकली द पॉइंट इज दैट पहले ऐसा था वी वे वेरी स्ट्रिक्ट कि भाई आपको सीएस टू ही करना है एग्जाम सो यू कैन गो विथ सीएम टू एज वेल एज सी एस टू अगर आपको यह अटेम्प्ट लगता है कि मेरे को डिसेंट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स लेने हैं तो यू शुड गो विथ सी एस टू इफ यू वॉन्ट टू कीप दिस अटेम्प्ट लाइट then you should go with cm2 cm2 will require roughly 25% less effort more interesting than cs2 because it contains the whole of finance derivatives stock markets futures options okay there is a lot of interest rate models term structure models okay so merton model is there you will learn all the whole of option pricing greeks etc so basically more interesting and it contains excel okay सो इफ यू बट सीएस वन क्लियर होना चाहिए सी एस वन अगर क्लियर नहीं है जोक जोक्स वीडियो सेट इज वेरी गुड वो मैंने बोलने के लिए बोल दिया था कि अगर कोई फ्रेश सीएम टू फर्स्ट पेपर देना चाहे तो वो दे दे ऐसा नहीं है ठीक है आपको सीएम वन आपने दे दिया है एंड तभी मैं बोल रहा हूँ एंड आपका सी एस वन पहले क्लियर होना चाहिए नॉट टॉकिंग अबाउट द साइड साइड लाइक सीबी वन एंड सी बी टू यू इनफ़

so i will always suggest if you want to go with a lighter easier paper go with cb2 compared to cb1 but always do check the exam gap so basically aap jo paper de rahe ho is attempt mein आपको ये देखना है कि CB1 या फिर CB2 में किसमें सबसे ज्यादा गैपिंग है तो so आप फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम है 15 -16,

cp2 as a paper like we have almost recorded all the past paper models for ifo and IEI. so cp2 again it's a two paper exam and quite easy for working professionals especially if they are going with uh, cm2 aggarab cm2 ka paper opt so cp2 can be a good combination with that okay and aggarab working hon, aapko thoda light rakhna cp3 can also be a good paper for communications so क्यों पेपर वाइजली ऐसा नहीं है बिकॉज सीपी टू सीपी थ्री में प्रायर कोई भी नहीं चाहिए होता है अगर आप सीपी टू कर रहे हो तो भी हम लोग एक्सेल एकदम पूरा स्क्रैच से कराते हैं डेफिनेटली आपने अगर दिया है तो आपको एक्सेल का बेसिक्स क्लियर हो होगा ठीक है ना तो बट सी टू सीपी थ्री विल रिकमेंड ओनली इफ यू क्लियर सीबी वन एंड सीबी टू अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि प्रायर पेपर का नॉलेज नहीं चाहिए प्रायर पेपर का नॉलेज नहीं चाहिए तो क्या हुआ तो अगर प्रायर पेपर का नॉलेज नहीं चाहिए तो प्रायर पेपर अगर आपका क्लियर नहीं तो पहले प्रायर पेपर अपने देंगे ना

बिकॉज मेरे पास में लक्ष्मी भी है मेरे पास में सरस्वती भी है देखो लक्ष्मी बहुत लोग के पास में होगा या फिर सरस्वती बहुत लोग के पास में होगा बट दोनों चीज नहीं है ठीक है ना तो आपके पास में भी लक्ष्मी तो आएगा ही बट उसके साथ में आपके संग सरस्वती भी आ रही है तो आप पढ़ने में भी अच्छे हो और आप पैसा भी बहुत कमाओगे लाइफ में तो उसके लिए क्या मेहनत करना पड़ता है घिसना पड़ता है अभी आने वाला तीन साल आपको घिसना है अभी आप लोग सबका एज कितना होगा सत्रह अठारह उन्नीस राइट आई एम ट्वेंटी सेवन लास्ट दस साल मैं बहुत मेहनत किया हूँ घर पे जाके पढ़ाया हूँ एक एक जन को बैठा के पढ़ाया तब जाके आज ये फैन फॉलोइंग ऐसा बना है ठीक है तो एंड मैंने अपना बहुत हेल्थ भी सैक्रीफाइस किया है टाइम है अभी तुम्हारा टाइम है तुमको तीन साल बहुत कड़ा मेहनत करना है एंड एंड डोंट जस्ट थिंक की आपको एक अच्छा जॉब चाहिए लाइफ में ठीक है ना इट्स नॉट ओनली अबाउट जॉब नॉट वर्किंग सो हार्ड फॉर अब आपको मिल जाएगा यार लाइफ में सब लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं आप अपने पापा से पूछो उनके बैच के जो भी लोग हैं जो क्लास में अच्छा पढ़ रहा था जो नहीं पढ़ रहा था वो लोग सब अच्छा कर ही लेते हैं लाइफ में इट्स अबाउट योर इंडिविजुअलिटी एंड वेर यू कैन टेक इट ओके ना तो वो खाली जॉब तक अपने आप को सीमित नहीं रखना है कि अच्छा डिग्री आ गया क्वालिफिकेशन आ गया वे गेनिंग सम एक्सपीरियंस एंड विल क्रिएट समथिंग समेड ओके, क्रिएट समथिंग वैल्यू एडिंग जो जो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा ठीक है ना तो उस 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 चीज के बारे में सोचो ट्राई टू बी वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, ओके, ट्राई टू बेसिकली एक्सपर्ट सेटेंट आज कोई बच्चा अगर खाली पढ़ने के लिए पढ़ रहे ना तो हमसे मत पढ़ो मैं सच बता रहा हूँ चले जाओ अभी अभी सेशन छोड़ के चले जाओ खाली पढ़ने के लिए पढ़ना इज नॉट द गोल आपको एक अच्छा इंसान बनाना आप जो चीज कर रहे हो उसका आपको नॉलेज होना पूरा वो बहुत मैंडेटरी है यहाँ पर बैठा एक भी जन ये नहीं बोल पाएगा कि सर मटेरियल का एक भी है ऐसा हम लो? हम लो क्यों क्यों ऐसा ऐसा हम हम लोग लोग क्योंकि हमने समझा उस नीड को समझा कि यार इंस्टीट्यूट का मटेरियल कितना जरूरी है करना कंटेंट है अमेजिंग जब मैं जीसीए गया ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एक्चुअलीस का जब मैं गया जब वहां मैंने लोगों लो को बोलते हुए सुना उनका क्या नॉलेज लेवल है तभी आज वो लोग बोल रहे हैं बाकी लोग सुन रहे हैं आपको भी स्टेज पे होना है आपको सुनने वाले में नहीं होना है उसके लिए आपको पूरा कड़ा मेहनत करना पड़ेगा ठीक है ना ऐसा नहीं होता है, जो एक करोड़ जो है और जो दस करोड़ कमा रहा है उसके बीच का फर्क है भाई नॉलेज लेवल इज द फर्क क्या स्किल आप ऐड करते हो हमारे पास में इतने सारे सॉफ्ट स्किल्स है गो टू अर वेबसाइट परचेज स्किल एंड डू इट आप उसको चाहो तो आप दस दिन में खत्म कर सकते हो यार इट्स एज सिंपल एज दैट आपको ऑनेस्टली uh, okay. uh, so बता रहा हूँ हमारा जो फ्रेश बैचेस है वो सेवनटीन से चालू हो रहा है दिल्ली में एंड ट्वेंटी फोर्थ से चालू हो रहा है तो जब हम लोग दिल्ली में पढ़ाएंगे तो वो भी ऑनलाइन होगा कैलकाटा में पढ़ाएंगे तो वो भी ऑनलाइन होगा ठीक है आई एल बी विजिटिंग बेंगलुरु आल्सो इन दिस ईयर वंस एंड बॉम्बे नाग नागपुर तो मैं नहीं जाऊंगा आई एल बी गोइंग अहमदाबाद पुणे बॉम्बे बेंगलुरु ओके ये सब जगह मैं एक बार जाऊंगा इन दिल्ली तो डेफिनेटली दो से तीन बार मैं जाऊंगा सो बेसिकली दीज ऑल ट्रिप्स दैट आई एल बी टेकिंग बिफोर बिफोर नवम्बर ओके करना क्या है ना जो दिल्ली के हैं है, से भी हो आप, ना? से आप लोग क्लास चालू हो रहा है ये बात आप समझ के चलो ठीक है ना हर पेपर का सेवनटीन से आपके लिए क्लास चालू हो रहा है एंड जो बच्चा हमको सेवनटीन को ज्वाइन कर रहा है ऑफलाइन अगर उनके यहाँ पर है तो अच्छी बात है नहीं तो ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के हम लोग थर्टी एथ नवम्बर तक उनका सब कुछ अच्छे से करा देंगे ये हमारा चैलेंज है ठीक है ना एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले हम लोग आपको सब कुछ अच्छे से करा के देंगे एंड वी हैव मेड अ ग्रेट वेबसाइट आपको कुछ भी नहीं करना है कोर्स वट एवर यू फील लाइक देर आर टू काइंड एंड नॉट फोर्स यू टू बाय द कोर्स इट्स अपल मेड फुल कोर्स में आपको लाइव क्लास फिजिकल क्लास मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट की चेकिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ मॉकटेड रुपीज पर अटेम्प्ट जो हमारा क्राइटेरिया है ठीक है ना वन टू वन ये सारी फैसिलिटी मिलती है बट रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे विथ अ लिमिटेड एक्सेस ऑफ सिक्स मंथ मैक्सिमम एंड दैट इज नॉट एक्सटेंडेबल नॉर रिन्यूएबल उसमें आपको कुछ भी और नहीं मिलेगा

So, उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है ठीक है ना ये हम लोग ऐसा नहीं किए कि भाई दिल्ली में जो बच्चा लेगा उसी को वहां घुसने देंगे ये हमने किया है कि भाई हमारा फिजिकल प्रेजेंस रहे जा रहा हूँ बैच अप्रिल में खत्म होने से पहले विल बी लॉन्चिंग इन बेंगलुरु एंड बॉम्बे एज वेल ओके तो उसका आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है ओके ना बी गोइंग विथ द डाउट्स ओके जस्ट uh, yeah. so, uh, uh, yes, कि चेक में गैप uh, ज्यादा ले लो ठीक है प्रेफरेबली सीबी वन में मैंने देखा था गैप अच्छा है तो सीबी वन आप ले लो सर इज इट वेल फ्री एग्जाम सी एस वन सी बी टू देखो आप अभी से यशवी आप उल्टा सोचने लग गए हो वायर इंक्लूडिंग सीएम वन आपने अभी सी एम वन दिया है

अगर आपको लगता है कि आपको एक एक करके जाना है आप एक एक करके जाओ ठीक है ना उसमें कोई भी दिक्कत नहीं दो हजार रुपये एक्स्ट्रा लग जाए लग जाए आप एक एक करके जाना है तो आप एक एक करके जाओ ओके उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप एक बार में ले सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है देखो छोटा पेपर एक ऐसा चीज है ना जो आपको मेहनत करने पे मजबूर करता है कि मेरे को एक घंटा और पढ़ना है तो दैट्स ऑल्सो मोटिवेशन तो उस वजह से भी आप उसको लो कुछ सभी ये सी एस वन एंड सी बी वन इज गुड इफ आई टेक रिकॉर्डेड ऑप्शन नाउ वोंट हैव एक्सेस नहीं 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 महीने का मैक्सिमम एक्सेस रहेगा माहिरु स्टैंडर्ड तो की है उसमें ठीक है uh, चिराग आप नेक्स्ट पेपर लो कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ो लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है uh, ये हो गया इंटर्नशिप का ठीक है श्रीतू का मैंने बता दिया सत्रह सीतु आप ले लेना कोर्स आप थोड़े दो लर्नर हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा ठीक है एंड जो लोग ने भी पहले हमसे कोर्स परचेज कर लिया है प्लीज पुट द रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन बाय पेइंग द एक्सटेंशन फी इन क्यू फॉरम बिकॉज मिनिमम वन टू टू वीक्स का टाइम लगेगा तो इट्स बेटर कि आप अगर अभी तुरंत आपका कोई कोर्स एक्सटेंशन है तो आप डाल दो क्योंकि वो प्रोसेसिंग होने में टाइम लगेगा आज जैसे हम लोग दस ग्यारह तारीख पे हैं दस तारीख पे ताकि सोलह तारीख के पहले आपका हो जाए आज मेरा आपका बात हो रहा है वो हो जाए तो प्लीज आप लोग अभी डाल देना एक दिन पहले मत बोलना मेरा अभी करके दीजिए तुरंत प्लीज वो सब नहीं हो पाएगा अभी डाल दो Uh, yes, I hope so. taken all the uh, देखो बेटा मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो अः uh, हम लोग बेसिकली uh, हम लोग ये जो है ना हमारा वर्किंग प्रोफेशनल्स का ही बैच होता है सीएम टू का तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने हैं मैं आपको बताता हूँ हमारा सबसे बड़ा हमारा सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा जो प्लस uh, पॉइंट है वो ये है कि uh, नहीं आप एक्सटेंशन जो पेपर आपने दिया आप उसके लिए नहीं अप्लाई कर सकते ठीक है जो पेपर आपने दिया आप उसके लिए नहीं अप्लाई कर सकते आप बाकी जो पेपर आपका लिया उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो सेम पेपर के लिए अगर आप करोगे तो एक्चुअली हमारे संग बहुत सारे से केसेस uh, हो गए हैं तो इसीलिए हमारा जो एडमिन टीम है उसने डिसअप्रूव किया है तो आप सेम पेपर के लिए नहीं ले सकते एक्सटेंशन नहीं तो क्या हो रहा था बाकी दूसरे लोग आके कर ले रहे थे क्लास तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है इसीलिए वो रिजल्ट के बाद ही हम लोग अलाउ करेंगे देखो हमारा आपकी बार जो जो पता नहीं बहुत लोगों ने लिया नहीं उसका फैसिलिटी तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट का सेशन सीएम सी एच पेपर में हर दिन रहेगा एवरी डे ऑलमोस्ट समझ लो पांच से छह दिन सीएम वन सी एस वन में तो एवरी डे रहेगा सीएम टू सी एस टू में वीकली फोर टू फाइव डेज रहेगा जो रात में जो सेशन होता है ऑनलाइन जो सेशन होता है ना वो एवरी डे रहेगा तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना एक्सपर्ट फैकल्टीज रहेंगे उसमें कुछ भी नहीं करना है फॉर एग्जाम्पल आपने भी सी वन का एग्जाम दिया है तो उसका नहीं हो पाएगा बाकी आपका कोई पेपर पहले का लिया हुआ है तो आपको सिर्फ क्यू फोरम पे जाके एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है इट्स वेरी सिंपल ठीक है ना uh, मैं अपना नंबर डाल देता हूँ तो आपको अगर कोई भी उसमें प्रॉब्लम है तो आप इस पे बात कर सकते हो ये एक्सटेंशन का नंबर है ठीक है ये मेरा एक्सटेंशन का नंबर है ये ऑफिस का नंबर है एक्सटेंशन का और ये मेरा नंबर है एडमिशन अगर किसी को कुछ पूछताछ करनी है तो वो इस नंबर पे बात करके ले सकता है हाँ क्यों नहीं कर सकते हो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो आप एक्सटेंशन लेके करो कोई दिक्कत नहीं है सेम पेपर का एक्सटेंशन अभी हम लोग नहीं देंगे ठीक है मैंने अपना नंबर दिया है माही नाइन जीरो थ्री एट वन वन नाइन ट्रिपल फाइव तो आप उस पर बात कर सकते हो मेरे से हितांशी अगर आपने और कोई पेपर ले रखा है हमसे तो आप वो पेपर दिल्ली में ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो दस सी एस वन कॉन्सेप्टी एम वन नो सर आपके हिसाब से मिलेगा आपको सिर्फ वन थाउजेंड रुपीज पे करना है सिंपल है देखो एक्सटेंशन का प्रोसेस एकदम सिंपल है उसको कोई भी हम लोग केस के संग मिक्स नहीं करेंगे ये जो वन थाउजेंड रुपीज है ये एक मोरल हजार की तरह बेसिकली ये हम लोग चार्ज इसीलिए करते बच्चे के सिंसियरिटी चेक करने के लिए हमको पैसा नहीं कमाना है हजार रुपए से नहीं तो इसको पांच छह हजार रूपये में लेके जाता ठीक है तो ये हजार रुपए का वो है कि बच्चा पेमेंट कर रहा है बच्चा को ये रहेगा मेरा पैसा लगेगा बच्चा पढ़ के एग्जाम देगा यही बात है बस और कोई बात नहीं है हाउ डू मैनेज कॉलेज इंटर्नशिप एंड पेपर थिंकिंग गोइंग सीएम बट एम सीएम एम वन आई डोंट नो देखो कृष्णा अगर आपको लग रहा है कि कोई सीएम वन नहीं होगा ना तो आप एक छोटा पेपर तो चालू कर ही दो ठीक है uh, बाकी तो सबका मैंने ऑलमोस्ट ले लिया क्वेरी माहिर आप सीएम टू में ले सकते हो सर फिर सी एस वन गेव सी एम वन वेरी क्लोज कॉल सी एस वन सीप हाँ एक छोटा पेपर आप ज्वाइन कर लो येस yes, अगर इंटर्नशिप मिल रहा है अप्लाई करो लो अप्लाई करो लो अप्लाई करो लो अप्लाई करो लो ठीक है अप्लाई करो ये yes, इंटर्नशिप yes, मिल रहा है तो लो ठीक है आई होप सो देशन वॉज इनसाइटफुल सर सी एम एन फेल हुए तो सी एम एन ए साथ में देना चाहिए हाँ अगर सी एम एन फेल हो गए तो सी एम एन सी एस वन साथ में देना चाहिए माही दोनों साथ में देना चाहिए सीएम सी एस मन बट ऐसा सोचो मत आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा अपने बारे में मैंने सच बता रहा हूँ मेरा क्लास इलेवन में एक पेपर था मैथ्स का तो उसमें मैं बार-बार यही बोल रहा था यार पेपर एकदम अच्छा नहीं गया हमेशा भगवान को यही बोलता हूँ मेरे चार पांच सेंटर्स होंगे मैं इतने बच्चे पढ़ाऊंगा इतने एक्चुरीज बनाऊंगा और देखो मेरा संघ हो रहा है वैसा अच्छा सोचो अच्छा बोलो वॉट इफ छोड़ो वॉट इफ को हटाओ लाइफ से खाली पॉजिटिव सोचो होगा आपके साथ जहां से मैं आया हूँ आप लोग सब बहुत ही पॉजिटिव हो मेरे से ठीक है ना मैं जहां से आया हूं मैं मैं जहां से मेहनत करके आया हूँ कोई नहीं आया यहां से ठीक है ना तो मैं सच बता रहा हूं आप लोग सब बहुत अच्छे हो बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग सब बहुत कर भी सकते हो लाइफ में अच्छा सोचो तो तो, अच्छा सोचो गुंजन सी एस वन इज फाइन यार ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सी एस वन इज क्वाइट नॉर्मल एंड जो बच्चों को ये लग रहा है दिल्ली में दिल्ली में भी हमारे फैकल्टीज रहेंगे फिजिकल क्लास भी होगा लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी होंगे पूरा कॉलेज टाइम के हिसाब से क्लास होगा दिल्ली में कैलकटा में भी कॉलेज टाइम के हिसाब से क्लास होगा इवनिंग बैचेस होंगे दिल्ली में मोस्टली क्योंकि हमको पता है कॉलेज आपका दो बजे तक रहता है मोस्टली तो दो बजे के बाद ही जो हमारा कॉलेज जो हमारा क्लासेस होगा वो होगा दिल्ली में तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे दिल्ली में जब मैं नहीं रहूंगा मैम नहीं रहेंगे तब मैं, मैं पढ़ाता हूं, yes, मैं, शिवांगी, मैं 17. Dates, कुछ भी चेंज नहीं हो रहे आप रजिस्टर करो बस वेबसाइट से और आपको कुछ भी नहीं करना है ठीक है ना तो रजिस्टर करो आपको सारे डिटेल्स क्यू फोरम पे आ जाएंगे जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस आई एम टेलिंगीज एट वेर गेटिंग इन

बहुत सारे वहां पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जाएंगे वीकेंड क्लासेस होंगे ठीक है वहां पर मेंटर्स रहेंगे जो आपको गाइड करेंगे तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है इट विल बी नॉर्मल फंक्शनिंग सेंटर जैसे होता है वैसा होगा ठीक है ना तो वैसा कुछ भी नहीं है सो बेसिकली दैट इज वॉ एम टेलिंग यू डोंट लुक एक्चुएट एज प्रवीण सर लुक इट एज अ इंस्टीट्यूट ठीक है ना तो so डेफिनेटली आप लोग सब मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो ठीक है ना सो नो प्रॉब्लम थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल एंड इट विल्सपीरियंस फॉर यूर आई ट्रस्ट आई ट्रस्ट मी मतलब हम लोग हम लोग पूरा टीम लेके आ रहे हैं एंड डेफिनेटली इट विल बी अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस आप कहीं से भी पढ़िए

ये सारी चीजें आपके में इंक्लूडेड आपकेटली एक बेसिक टोकन मनी हम लोग लेते हैं सबसे 59 का 99 का 149 का दैट इज जस्ट कि भाई बच्चा अटेंड कर रहा है कि नहीं ठीक है ना बाकी उसके पीछे और कोई भी हमारा मोटिव नहीं होता है सो थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ओके बाय इट बायोस्ट टू पी एम टू पी एम के बाद ही होगा दिल्ली में जो भी होगा दो पीएम के बाद होगा टू पी एम के बाद होगा ओके थैंक यू